وهو تغفر فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالآمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، اس میں کچھ حالات انسان کے پسند کے اور خوشی کے پیش آتے ہیں اور کچھ احوال اس کے ہاں ناپسندیدہ اور نامناسب سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس سے متعلق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ظہور فرمایا ہے، انسان کو سب کچھ دینے کے باوجود کچھ نہیں دیا ہے. دو جملے بظاہر متضاد ہیں لیکن حقیقت میں ہم مانا ہے. یہ انسان جب اپنی انسانیت کے نشیب و فراز میں آتا ہے تو یہ ایک جوان ہے، طاقتور ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غذا ضروریات زندگی اللہ اس کو پہنچاتا ہے. یہی انسان جب جسم کے کسی حصے کے عارض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کچھ دیر گزرے اور اس کو افاقہ نہ ہو تو یہ ہمت کا سارا ہتھیار رکھ لیتا ہے، عزم اور حوصلہ ہارنے لگتا ہے. اگر یہ بادشاہ وقت بھی ہو تو طبیب و حکیم اور مشورے کا محتاج ہوتا ہے. یہ اگر ولی اور نبی ہے تو توکل خدا پر مضبوط ہوتا ہے. یہ تو سمجھ لیتا ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یہ ایمان کے درجے میں انبیاء کا بہت پختہ عقیدہ ہے اور انبیاء کی برکات جن کو جتنی حاصل ہو اتنا ہی ان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے. پیغمبروں کے پاس وحی آتی تھی، اس میں آنے والے حالات ہوتے تھے اور سینکڑوں چیزیں جو نبی کو درکار ہوتی تھی خدا تعالی سے ذکر تک نہیں کر سکتے تھے. جیسے ایک بادشاہ کسی وزیر پر بہت مہربان ہو، وہ اپنے شاہی خزانے سے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو لیکن وزیر باوفا کو خود مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں. اس کے گھر میں بیماری ہے، اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے اور مر رہی ہے، اور جب ایسا کوئی موقع آیا تو دو باتیں کہی گئی. ایک بات یہ کہی گئی کہ حیات اور ممات، عزت اور ذلت، یہ صرف
खुदा के इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने ये इख्तियार आसमान और जमीन की किसी मखलूक को नहीं दिया है। और ये आयत नाजिल होती है पैगंबर पर तो सबसे पहले वो समझ लेता है कि मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं, लैस लक मिन अल-अम्र शय्उ औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। आपको उनको माफ करने का या सजा दिलाने का कोई इख्तियार नहीं। ये देखिए इख्तियार किसको है, वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्द, जिसके इख्तियार में आसमान और जमीन और उसकी हर चीज है। यग़फिरु लिमन यशा, जिसको चाहे माफ करे, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, सजा दे जिसको चाहे। अल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम वाला। इशारा है कि पकड़ कम है और माफी ज्यादा है तो निजाम चलता है, और जब पकड़ पड़ जाएगी और रहम करम रोक लिया जाएगा तो क़यामत क़रीब हो जाएगी। गुस्से में आसमान को भी फेंक देंगे, जमीन को भी तोड़ देंगे। यौम तुबद्दल अल-अर्ض ग़ैर अल-अर्ض व इज़ा अल-जिबाल नुसिफत, और ये बड़े बड़े पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते जाएंगे। वतकूनुल जिबाल कलइहन अल-मनफूश व इज़ा अल-बिहार सुज्जिरत, और ये जो समंदर है इससे धुआं उठेगा, इसका पानी ऐसा जोश मारेगा कि इसके धुएं आसमान तक पहुंचेंगे। किसी नहर का पानी गर्म हो जाए बहुत ज्यादा, चश्मों का पानी गर्म हो जाए तो हलाकतें शुरू हो जाती है। और जब समंदर पूरी दुनिया के पानी का मादन है और उसमें कुरान कहता है कि ऐसा झोंका जाएगा कि उसकी भड़ास उठेगी। वइज़ल क़ुबूर बुसिरत, और कब्रों को तस नस कर दिया जाएगा। जमीन में सुई रखने की जगह नहीं, जहां किसी न किसी तरह कब्र नहीं, कोई जगह रोए जमीन में ऐसी नहीं है। हुक्म ये है कि जब सदी गुजर जाए, कब्रों के पहचानने वाले न रहे, लोगों के दिल से कराहियत खत्म हो जाए, वो दूसरे आने वालों का बाग है, उनकी खेती है, उनकी मार्केट और असेंबलियों की जगह है, उनको क्या पता है। पूरी जमीन को हिला दिया जाएगा। और जमीन के हर जगह से लोग निकलेंगे, जमीन तंग पड़ जाएगी, एक एक जगह से सौ सौ मुर्दे निकल आएंगे, एक एक हजार मुर्दे निकल आएंगे। हदीस में है कि जबल अबी कुबैस और हतीम के दरमियान 500 अंबिया की कब्रें हैं, और हजरत हाजर इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों की कब्रें हतीम में। हतीम फर्श है, उस पर तवाफ होता है, मुसलमानों की इबादतगाह है क़यामत तक के लिए। कब्रों की हैत जब खत्म हो जाए, अहकाम खत्म हो जाते, अगर कब्र न हो और एक शख्स वैसे मिट्टी जमा करे, कब्र की तरह चबूतरा बना ले और देखने में कब्र दिखाई देती हो, तो फुकहा मुत्तफिक है कि उस तरफ नमाज हराम न जाए। इबादत बिलौसान है, बुत परस्ती की एक निशानी है। ये जरूरी नहीं है कि कब्र में मखलूक हो,
कब्र खुद करी शक्ल है, कब्र ना पसंदीदा चीजें नहीं है, कब्र एक जरूरत है। हमने मुर्दे को रखा है, हमें आना है, फातिहा पढ़ना है, उसको दुआ करनी है, तो फरमाया जो मिट्टी निकली है वो मिट्टी डाल, जब तक तू रहेगा उसके जानने वाले रहेंगे, कब्र का चबूतरा होगा। कब्र को इतना ऊंचा न करना कि सदियां गुजर जाए, जमाने गुजर जाए और दिन ब दिन दरगाह शरीफ जो है बढ़ती चली जा रही है। अजम में तौहीद का मसला इसलिए कामयाब नहीं है कि इन्होंने बुजुर्गों की याद में दरगाहें बनाई है। तावक थी कि पूरी दुनिया में कब्रों का इलाज न किया जाए। नामुमकिन है कि तौहीद का मसला बयान हो जाए। अहले इलम भी तौहीद बयान करेंगे मगर शिर्क में लतपत करके। रोटी को जब खून के कतरे लग जाए और दूध को मूत के कतरे गिर जाए तो आदमी कहते हैं फेंको। तौहीद का मसला मुश्किल इसलिए बहुत ज्यादा है कि अहले इलम भी इसके बयान करने का ताब नहीं ला सकते। सच बोलना पड़ता है, सच बहुत मुश्किल होता है। ये तो बहुत अच्छा दीन है कि बड़ी कब्रें हो, बाबा हो, बेबे हो, जो भी दफन है बस आलीशान आओ और जाओ, कब्रिस्तान आओ और जाओ, मगर इसमें मुहम्मदी दीन नहीं है, खत्म हो जाए। ये कब्र ही का आदमी रहेगा, ये खुदा को नहीं पहचानेगा। मैंने ये मसला बयान किया, एक अहले इलम ने मुझे चिट लिखा कि इसमें थोड़ी ज्यादती हो रही है। मैंने कहा ना ये बिल्कुल मीजान के साथ बयान हो रहा है, तौल कर। एक शख्स सामने बैठा हुआ था, मैंने कहा खड़े हो जाओ। मैंने कहा तुझे कोई तकलीफ है? उसने कहा मेरा हाथ गलत मुड़ गया है, जुड़ गया है। मैंने कहा अगर आपको कहे कि कल जुमे का दिन है, फजर की नमाज महल्ले की मस्जिद में जमात से पढ़ो और इशराक तक जिक्र और दुआ करो, आपका हाथ ठीक हो जाएगा। तो ये बात ज्यादा जानदार है। और अगर आपको कहूं कि कायदाबाद में एक नई कब्र निकली है, जिसके जिस्म में दर्द हो वो वहां चला जाए तो वो ठीक हो जाता है, तो उसने मुझे कहा वो कहां है? मैंने उस मौली साहब से कहा कि ये पैदावार आप जैसे लोगों का है, इसको खुदा की आजमत का बिल्कुल यकीन नहीं है। ये फजर नमाज इशराक कुछ नहीं समझता, बस वो रामचंद्र और लक्ष्मणों ने बुतों को उजागर किया था और इन्होंने कब्रों पर शाल डाले हुए हैं। मैंने कहा कि देखो अल्लाह ताला के मानने वाले नमाजी मौलवी साहेबान तलबा खूबसूरत बेहतरीन सियाद, हमारे यहां मदरसे में 2200 मुसाफिर तलबा इस साल तालीम पूरा कर गए, पूरे साल में एक बंदा बशर बीमार नहीं हुआ। ये तो बीमारी नहीं, शाम को बुखार हुआ सुबह ठीक हुआ, बीमारी उसको कहते हैं कि मदरसे में तालीम रुक जाए, उसका नुकसान हो जाए, अस्पताल ढूंढना पड़े, डॉक्टर बदलना पड़े, मायूसी की इस तरह कोई वाकया नहीं होता। लोग हरम शरीफ आते जाते हैं, उम्रे और हज करते हैं, खुदा ताला तौफीक दे, लेकिन अजीब बात सुनो, रोजाना अखबार उठाकर देखो, सेवण से आते हुए बस उलट गई, शाकी जाते हुए बस उलट गई, सारी खबरें दरगाहों में आने जाने वाले उनकी पिटाई की हो रही है। और छोड़ो, दरगाहों में जो बैठे हुए हैं किसी की नाक नहीं है, किसी की एक आंख है, एक पीक पीछे जा चुकी है, किसी का आधा धड़ आगे आधा धड़ पीछे है,
ऐसे टेढ़े पेढ़े अजायब घर में भी नहीं मिलेंगे, चिड़ियाघर से छोड़ो, जो दरगाहों के सामने बैठे हैं। तो बाबा उनकी पट्टी नहीं कराता है जो मशरक और मगरिब के मुसलमानों का, किसी का बेड़ा पार करता है, किसी का बेड़ा डबोता है, इनको ठीक क्यों नहीं करता? जो 24 घंटे मुजाविर बने हुए, अल्लाह दिखाता है कि अजमत और बड़ाई सिर्फ मेरी जात है। औलिया और अंबिया सब उस एक अल्लाह के मोहताज है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कब्र वाला किसी दर्जे में मोहतरम नहीं है। कब्र वाले हमारे वालिदैन हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हमारे मशायख हैं, उन्होंने हमको यही रास्ता बताया है। और कब्र वालों के लिए पैगंबर ने कहा है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो। बात ये हुई है, ये कहीं रिवायत नहीं आई कि उनसे तुम अपने लिए दुआ कराओ। ये कोई माँ का बेटा दिखाए, मैं इनाम देता हूँ, पूरे इस्लाम में एक रिवायत ज़ईफ़ सनद के साथ भी नहीं मिलेगी, ऐसा पुख्ता दीद है। और ऐसा कैसे हो सकता था जबकि 1,24,000 अंबिया एक ही मसले को समझाने आए हैं कि अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ही हाजत रवा और मुश्किल कुशा और इबादत का लायक है। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, इसी अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए मुसलमानों को। देखो ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें दो अकीदे हैं, एक अल्लाह ताला की बड़ाई का और दूसरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत रिसालत का। अल्लाह ताला के नबी से किसी को कमाल मोहब्बत हो मगर तौहीद न हो, अकीदा सही न हो तो भी गलत। यहूद नसारा अपने पैगंबरों से बड़ी मोहब्बत करते थे काफिर, इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, ये किताबी काफिर है, किताबें पढ़ते हैं फिर भी मुसलमान नहीं। और अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले और आहद रसूलुल्लाह सल्लम की रिसालत नबुव्वत में शक कर ले तो वो भी काफिर कती है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने तारुफ करने के लिए सादिक मस्दूक बना करके भेजा है। हजरत की शान और मर्तबत अब्दियत की है, आप बंदा है। अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आपकी रिसालत बरहक है, उस पर ईमान लाना कती जरूरी है। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसके पढ़ने और अकीदा रखने के बाद सैकड़ों साल का काफिर मुसलमान हो जाता है। इस मुसलमानी में ये बात दाखिल है कि वो पूरे कुरान को आसमानी किताब कहे और मान ले। अगर कोई शख्स ये कलमा पढ़ ले और वो कहे मुझे कुरान की जरूरत नहीं है, तो ये कलमा पढ़ना मोतबर हुआ? हरगिज़ नहीं। पता चल गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये इजमाल है और कुरान करीम उसकी तफसील है। हर आम और खास के लिए इजमाल काफी है और इजमाली अकीदा अल्लाह की किताब का और नबी के बरहक रसूल होने का रखना जरूरी है। अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता रहे, कुरान पाक को आसमानी किताब कहे लेकिन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल न कहे, या आपको खातमुन नबीय ना माने, तो ये भी मुसलमान नहीं।
क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल है और उसकी तफसील जब कुरान करता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत की रिसालत का ऐलान हो रहा है। तो अब समझाने के लिए ताबीर इस तरह बनी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने इजमाल और तफसील के साथ जबान से पढ़ना और दिल से अकीदा रखना ये पूरा इस्लाम है। पूरा इस्लाम, पूरे इस्लाम का लफ्ज क्यों पढ़ाया? कुरान करीम का नुज़ूल तो फातिहा से वन्नास तक है, मगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र के हुए तो वही आ गई, कुरान आना शुरू हुआ। कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते के जरिए काबे की छत पे नहीं रखवाया कि लोगों उठा के ले जाओ, तुम्हारा ऐसा नहीं है। कुरान करीम अल्लाह ताला ने फरिश्तों के झुरमुट के साथ उतारकर मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में नहीं रखवाया कि 70,000 फरिश्ते दाएं हों 70,000 बाएं हों और फिर कहे ए लोगों अपनी हिदायत की अमानत संभाल लो। ना ना, एक हस्ती उनकी कौम कबीले नसब नसल में पैदा की, वो उनके आबाओ अजदाद को जानते थे और उस हस्ती में इंसानी शराफतें सब जमा कर दी और इंसानी उयूब और कबाइह सारे हटा दिए। वो हस्ती अगर कोई तूर से आ जाती, सहराए सीना की तरफ से चल पड़ती, रात के अंधेरे में आसमान से उतर करके सुबह मक्का में चलना फिरना शुरू करती, ललबसना अलैहिम मा यलबिसून, कुरान कहता है ये और परेशान हो जाते, कहां से आया ये? कौन पैगंबर कैसा है? माल हाजर रसूल या कुल त्वाम व यमशी फिल अस्वाक, उनके साथ उठते बैठते थे, बच्चे जवान हो गए जैसे और बच्चे जवान होते, कौम कबीला खानदान बाप मां दादा दादी नाना नानी दोनों तरफ से सब जानते हैं। कुरान करीम के देने में देर क्यों की? इसलिए कि हजरत तस्लीम हो जाए, हजरत की अजमत इंसानी अजमत और इंसानी शराफत हर शख्स की जबान पर दिल में उतर जाए। वो खुद तो पानी की जगह शराब पीते थे, मक्के के मुशरिक तिजारत को बेगैरती कहते थे कि बेगैरत आदमी तिजारत करते, बहादुर तो चीन के खाता है। दामाद और बहनोई के लफ्ज से घबराते थे, अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, कल ये जवान होगी इसको किसी मर्द की जरूरत पेश आएगी, हमारी बच्ची के साथ कोई सोएगा हमारे लिए डूब मरने का मकाम, मारो ऐसे पहले ही दिन इसको मट्टी के नीचे दफनाओ। कुरान पाक ने उस पर कहा सा अमा यहकुमून, कितनी गलत बातें करते, ये करने का काम है। और मोतियों के इतने शौकीन थे, तस्वीरों के, कि हमारे जमाने के सियासतदान भी इतने नहीं होंगे। सियासतदानों के मजहब में भी तस्वीर बहुत जरूरी है कि अखबार में दांत बाहर निकाला हुआ हंस रहा और लोग देख रहे हो कि ये फलां पार्टी का लीडर शाह है। जायज ना जायज ये तो बाद में होगा, पहले सियासत होगी। इसलिए दिन ब दिन जमीन में धंस रहे, धंस से चले जा रहे, इसमें अच्छे बुरे एक हो गए, जिनसे खैर की तवक्को है
वो जरा मकरू समझ कर यार क्या करें, मजबूरी है, हमारी मीडिया का मसला है, मगरब वैसे ही हमको नहीं मानता है, तस्वीर भी ना हो पता ही नहीं चले। सौ बातें सरा एक, गलत काम गलत होता है कोई भी कर। और जाहिर है शैतान जो है वो उनको सिखाता भी है, शैतान सबके साथ लगा हुआ है। एक आदमी उल्टे हाथ से तस्बीह पढ़ रहा था, मैंने कहा उल्टे हाथ से तस्बीह पढ़ना जायज नहीं है, दाएं हाथ से पढ़ा करो। हां दाएं हाथ शल है, फालेज है, माफ है। अल मुकद्दमतुल गज़नबिया में लिखा है कि जिनका दाया हाथ माजूर हो बाया उनके दाएं के हुक्म में, माफ है। तो उसने जवाब में कहा कि दिल भी तो बाई तरफ है। देखो शैतान ने सिखा दिया उसको, दिल चूंकि बाई तरफ है इस वास्ते हुक्म यह है कि बाई करवट शुरू में न सोना, दाएं करवट सो जाओ ताकि दिल पर दबाव ना आए। पानी बाएं हाथ से न पियो, दिल पर नाहक दबाव बढ़ जाएगा। ये सिम चूंकि दिल वाली है तो तमाम उमूर मशरूआ पसंदीदा वो सब दाएं हाथ में है। शैतान ने मुशरिकीन को भी किस्म किस्म की बातें सिखाई। एक बात उनको ये सिखाई कि वो कहते थे इन कपड़ों के साथ तो हम लोगों से मिलते जुलते हैं, घर भी आते जाते हैं, घर वाली से मुलाकात भी हो सकती है। जब बैतुल्लाह शरीफ आते थे तवाफ करने तो कुर्ता शलवार हरम शरीफ के बाहर गेट पे रख लेते थे, नंगे होकर तवाफ करते थे, इसको बहुत बड़ी इबादत समझते। अब देखो जो काम था सुन्नत का वो निकल गया कि ये कपड़े सिले हुए उतारो और अनसिले एहराम बांध दो। तो चूंकि मुशरिक के पास पूरा दीन नहीं होता, कुछ होता है वो गलती का शिकार हो जाता है। उन्होंने देखा कि काबे की दीवार में एक पत्थर नसब है, उसका नाम है अल हजरुल अस्वद, हजर अस्वद जिसे आप कहते हैं। हदीस शरीफ में है जब ये जन्नत से आया था तो कान अल हजर अल अबयज सफेद चमकता हुआ दूध की तरह याकूत का था। इस वक्त हो खताया बनी आदम, इंसानी गुनाह वहां पहुंच के आंसू फरियाद आहो बका खुदाया तौबा है खुदाया माफ फरमा, गुनाह उतरते हैं बाकायदा उतरते हैं जैसे बुखार उतरता है और चढ़ता है, खून का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, इस तरह गुनाहों का जिस्म है। लिल मासी व सैयात अजराम उन मुहद्दिसीन कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को शुरू ही उम्र में जब हजरत मुज्तहिद बने, बड़े लायक फायक इंसान थे, इब्न सीरीन ने एक ख्वाब की ताबीर में कहा कि क़यामत तक उन जैसा मजबूत मुसलमान नहीं आ सकेगा जितना इमाम अबू हनीफा है। तो कोई मस्जिद के गुसलखाने में नहा रहा है या वजूखाने में वजू कर रहा है, इमाम साहब पानी को देख रहा है तो आंखें बंद करके तौबा इस्तिग़फ़ार शुरू कर लेते थे। और मशहूर हो गया कि पानी के रूह को देखकर हजरत पर लोगों के गुनाह मुनकशिफ होते हैं। ये हजरत की करामत भी हो सकती है और खुसूसी इम्तियाजी वसफ भी हो सकता है। एक दिन शागिर्दों के साथ हजरत बैठे थे मस्जिद के गुसलखाने में, एक शख्स नहा रहा था,
حضرت صاحب نے پانی کو دیکھا, فرمایا اس زمانے کا بخیل ترین انسان غسل خانے میں نہا رہا, بہت کنجوس مکی چوس ہے, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, ہوتا ہے لوگ عجیب عجیب. وہ شخص غسل خانے میں نہا کے آیا, تولیے سے سر بال پوچھ کے امام صاحب سے کہا, حضرت صاحب بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا, آج آپ سے ملاقات ہو گئی, اچھی فضا میں. یہ درس میں کتنے شاگرد ہیں؟ حضرت نے کہا تو 1800 آدمی ہے کہ رات کو ان سب کا کھانا میرے گھر پہ ہوگا. شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں, وہ ہنس پڑے سارے. امام صاحب نے فرمایا رات گزرنے دو. یہ ابخل الناس, کائنات کا بدترین کنجوس. امام صاحب نے کہا بہت اچھا, ہم حاضر ہو جاتے ہیں. سب وہاں پہنچے, کھانا کھایا گیا یا ابھی شروع بھی نہیں ہوا. اس نے کہا سب سے پہلے ایک بات سن لو کہ اس کھانے پر اتنا خرچہ ہے. میرا شوق دعوت کا تھا, پیسہ دینے کا نہیں تھا. یہ آپ لوگ پہلے ادا کر لیں تاکہ میرے دل سے وہ بار اترے. امام صاحب نے فرمایا یہ سارا میں ادا کروں گا اکیلے. خدا کا شکر ہے کہ میرے قوم کی عزت رکھی. 15ویں صدی میں بھی کوئی ایسا بخیل پیدا نہیں ہوا جو مہمانوں سے کہے کیا آپ نے کھانا کھایا ہے, لہذا آپ پیسے دو. یہ دینی مدرسوں کے سالانہ جلسوں میں, کراچی میں نہیں اور جگہوں میں, اخیر میں مدرسے والے اپیل کرتے ہیں چندے کی. میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ جائز نہیں. لوگ درس سننے آئے, بیان سننے آئے, اور آپ نے کچھ کھلایا یا نہیں کھلایا, تھوڑا بہت توازو کیا, مناسب یہ ہے کہ آپ دعا کر لیں کہ خدایا ہمارے اس مدرسے کی مشکلات حل فرما, اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ دینی اداروں کی بھرپور تعاون کر لیں. یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ گناہوں کا جسم ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے آدمی جب ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کا گناہ معاف ہوتا ہے, جب چہرہ دھوتا ہے وضو میں جو اس نے آنکھوں سے گناہ دیکھے ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے, شروع کے قطروں سے یا آخر تک. اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو جن وجوہات اور گناہوں سے قیامت کے دن سر جھکے گا اللہ وہ معاف کر دیتا ہے, سر بلند رہے گا. دل سے نماز پڑھنے والا, سنت وضو کرنے والا, اور پیر دھوتے وقت گناہ کی جگہوں کو چل کر جانے سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائے. ترمذی شریف کتاب الطہارت میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ استغفر اللہ. یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ حجر اسود جب جنت سے آیا تھا تو اس کا نام حجر ابیس تھا, بالکل سفید دودھ کی طرح جنتی یاقوت کا بنا ہوا ہے. اسودت ہو خطایا بنی آدم, انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. جب انسانوں کے گناہ در دیوار کو متاثر کر سکتے ہیں تو خود انسان ان گناہوں کی وجہ سے تکلیفوں میں, عذاب میں, اور اگر وقت پر معاف نہ ہوا تو جہنم میں جا سکتا ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پکڑ گناہوں کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ حدیث شریف میں ہے ایک بندے کو ایک درجہ اللہ دینا چاہتا ہے, اس کا عمل بڑھتا ہی نہیں, اتنے پرانے اعمال میں لگا ہوا ہے, وہی دو رکعت چار رکعت, نہ اشراق نہ چاش نہ وابی نہ تہجد نہ قیام اللیل
इबादत बढ़ाता नहीं है। तो अल्लाह ताला उसको या तो बीमार कर देता है, बीमार के साथ कंसेशन होता है, थोड़ी इबादत पर ज्यादा अजर मिलता है। लोग भी कहते कि बीमार है, हाथ से पकड़ के ले चले, इसको पहले आने दे। इस बीमारी में वो जो मकाम और दर्जे में कुछ कमी थी पूरी कर दी गई, या उसको माल की जान की तकलीफ में डाल लेता है, और जब वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, तौबे और माफियां बढ़ाता है, तो वो दर्जा जो मिल नहीं सकता था मिलना आसान हो गया है। अल्लाहु अकबर। मैं तालिबे-इल्मी के जमाने में एक मौका ऐसा आया कि सालाना इम्तिहान का नक्शा लग गया और मुझे टाइफाइड की बीमारी थी। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी एहतियात की, खूब परहेज किया, लेकिन जब मैं पर्चे लिखने बैठ जाता था तो मुझे कुछ नजर नहीं आता था। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसका उजर कर लूं तो असातिज़ा और इदारे को कबूल करना मुश्किल हो जाएगा, हर शख्स बैठकर कहेगा। मैंने दुआ की कि अल्लाह सादिक और काजिब के पहचानने वाले सिर्फ आप हैं, या मुझे ठीक कर दे कि मैं लिख लूं। इत्तेफाकन इम्तिहानगाह में मुमतहिन गुजर रहा था, मेरे पास रुक गया और मेरा हाथ देखा और फौरन अपने दूसरे साथी को कहा कि फलान डॉक्टर साहब को अभी यहां बुला लो। उन्होंने बुला के देखा, कहा कि एक कतरा खून जिस्म में नहीं है और नब्ज बिल्कुल रुक रहे हैं, इनसे आप इम्तिहान क्यों लेते हैं? आपके इलम में और दीनी मदरसों में कोई इंसाफ रहम नहीं है, ये मर जाएंगे तो फिर इसके नतीजे निकले। तो देखो, तकलीफ ज्यादा थी तो सहूलत के असबाब पैदा कर दिए गए। ये तो मखलूक के दौरानिये में है, जो मामला खालिस अल्लाह के साथ है। इसकी एक मिसाल देता हूं, बुखारी शरीफ मगाजी में है, एक खातून का एक बेटा था, बड़ा लाडला पला बड़ा था, अरब से जिहाद में रवाना हो गया गजा में। मां को कहा, हमारे सारे घर ने पैगंबर पर ईमान लाया है, नबी खुद मैदान जंग में है और आप अपने बेटे को घर बिठाती है, जाने दे। खातून भी सहाबिया थी, उसको जोश आया, अच्छा वो जाके शहीद हो गए। अब जब शहीद हुआ और शहदा के दर्जात वगैरह बयान होने लगे तो वो बड़ी खुश थी, लेकिन किसी ने उसको तीन शक डाले। तौबा तौबा, हर जमाने में शक शुबा पैदा करने वाले होते हैं। किस्म किस्म के शक शुबे। एक आदमी बीमार है, आप उसको कहें फलान डॉक्टर के पास चले जाए, ये आम सी बात है। आप उनको कहें आपके ऊपर सिफली किया गया है और काली मुर्गी जिंदा दफनाई गई है और उसका सर काले रोए में बंद किया गया, ओहो वो इसलिए यहां से डर निकला, ओ काली मुर्गी क्या थी, उसके लिए इज़राइल से बड़ी थी। झूठ का सारा कारखाना झूठ पे चलता है, आमिलीन का सारा निजाम दरोह और कसीब का है। अब अगर आप उसको देखे, नाम उसका और मां का लिखे और फिर कहे कि बहुत मुश्किल है आपका बचना, तो आप कामयाब है और अच्छे आलिम है। और अगर आपने कहा कि झूठों के अफसाने हैं, छोड़ो ये कमजोर बातें, फातिहा और आयतुल कुर्सी और चार कुल सुबह और शाम तीन तीन बार पढ़ो, ये तो मौलवियों वाली बात है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान करीम में एक कौम की शिकायत है,
अफबिल्बातिल युमिनून, ना हक को तो मानते हैं, वो बिनेमतिल्लाह यकफुरून और यजहदून, और खुदा की नेमतों का इनकार करते हैं, दरबी से पेश आते हैं। और आवाम तो आवाम, वो जो पहली सफ में आके बैठते हैं वो भी कुछ कम नहीं है। बस सिर्फ देर ये है कि घर वाली का है कि इस तरह एक औरत आई थी, न उसकी मां मालूम है न बाप, उसने घर में देखा कहा इस घर में तो बहुत बड़ी बला है, इसके एक एक फर्द को जकड़ा गया है। बस अब तमाशा देखे, अगर वो फख्र राजी का बेटा भी है ना, ईमान चला गया उसका, बच नहीं सकता है प्रोपेगंडे से। वो लोग कहां हैं जो कहे कि रहने दो, अपने मुंह पे ढक्कन रखो, न कोई जान सकता है, न कोई कर सकता है, न कोई बता सकता है, सारा काम एक अल्लाह का है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो उस बीबी को शक में डाला गया कि आपका बेटा नाबालिग था और आपने खुशी से नहीं भेजा, और तीसरा ये कि उसके पास जो तलवार थी वो छूटी थी, वो किसी और को मारने के बजाय खुद उसके घुटने को लगी, घुटना टूट गया, खून ज्यादा निकला, इंतकाल हुआ है, ये शहीद नहीं है। वो खातून आई और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह अंत तालम, आपको पता है मेरे बेटे का मेरे साथ कितना ताल्लुक था और मुझे उनसे कितनी मोहब्बत है, वो आपके साथ चलकर शहीद हुआ है, अगर ये बात सही है और वो जन्नत में है तो फिर दुनिया की तकलीफें और सदमे क्या चीज है, ये तो खत्म हो जाएगी, और अगर वो ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा रोऊंगी और मातम करूंगी कि मदीना मुनव्वरा में क़यामत बर्पा हो जाएगी, कि बेटा भी गया और काम भी नहीं बना। हजरत ने उसको देखा और आप गुस्से हो गए, आपने कहा कमकल औरत, एक जन्नत की बात कर रही है, इन्नहु लफी जिलाल, सारी जन्नत है उसको दे दी गई, एक नहीं। वो खुश हो गई और जब घर गई तो लोग मुबारकबाद देने आ रहे थे कि आपके बेटे का हुस्न मकाम और अंजाम अल्लाह के नबी ने दुनिया में आपको बताया। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो मुशरिकीन अपने हिसाब से आमाल नेकी का कर रहे थे मगर उनमें अमल नेकी का नापैद, तवाफ गलत, बैतुल्लाह शरीफ आना जाना गलत। जब उन्होंने देखा कि एक पत्थर हजरे अस्वद नाम का काबे की दीवार में नसब है और हुज्जाज उसके चारों तरफ तवाफ करते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो हाथ रख के सर रख लेते हैं, दुआ मांगते हैं, और हदीस शरीफ में है कि जो वहां पहुंच न सके, जैसे आजकल रश होता है तो दूर से हाथ का इस्तीलाम करे और फिर हाथों का पीछे चूमे, इल्लम तकूनो मिनहुम फतशब्बहु लिअन्न तशब्बुह बिलकिराम फदाहु। और हजरत के हाथ में चढ़ी थी चढ़ी लाठी, जब वहां पहुंचे देखा सहाबा बहुत जमा है तो आपने चढ़ी जैसे इशारा किया। हुक्म यही है कि अगर लाठी है तो फिर लाठी से ही कर ले, क्योंकि लाठी ज्यादा करीब हो जाएगी जितना हो सके। और हदीस में है कि क़यामत के दिन जन्नत जाने से पहले और जहन्नमियों के दोज़ख़ जाने से पहले ऐलान कर दिया जाएगा कि फलां कबीले का फलां, फलां का बेटा, फलां का पोता आ जाए, फलां कबीले का फलां मुल्क का फलां मुल्क, लोग खड़े होते जाएंगे। हजरे अस्वद को
जन्नत के तबाहों में रेशमी कपड़े में लपेटा हुआ मैदान हशर में लाकर रख दिए जाएगा हजरे अस्वद। और इन लोगों से कहा जाएगा कि चूम लो, बोसे ले लो तसल्ली से। कहा जाएगा ये कौन लोग हैं? कहा इन्होंने वहां रश नहीं किया, लोगों को धक्के देने से बचते हुए तवाफ के लिए आए, उमरा हो गया, हज हो गया, चले गए, चूम न सके। जन्नत जाने से पहले इनकी तसल्ली करा ली। कितना बड़ा मकाम है। बाद रिवायात में है कि हजरे अस्वद अल्लाह ताला का दायां हाथ है, उसको हाथ लगाना और चूमना ये ऐसा है जिस तरह बारी ताला से कोई मुसाफा कर। फरमाया कुछ खुश करने के लिए बशारत है, तसल्ली के लिए। हजरे अस्वद का तो इतना बड़ा मकाम है और मुशरिकीन ने देखा कि ये तो एक ही पत्थर है और हम इतने ज्यादा हैं, तो हर हर बुत मूर्ति उसकी याद में एक खूबसूरत मूर्ति बनाई। वो कहते हैं हिंदुस्तान ने चाइना से कहा है कि हमें मूर्तियां भेजो, क्योंकि आपके यहां सस्ती है हिंदुस्तान में महंगी है अखबार में। अब तो हमारे लोग ही बहुत नरम हो गए, उनको अपने बराबर समझते हैं, ये नहीं समझते हैं कि वो एक झूठा जमीन पर बनाया हुआ ना हक मजहब है और इस्लाम आसमान से नाजिल होने वाला, कयामत तक रहने वाला और सब लोगों को इसकी पाबंदी करने की ताकीद करने वाला मजहब है। कम से कम बात करते हुए आदमी को सोचना चाहिए, दुनिया की लीडरी चंद रोज है इज्जत खत्म हो जाएगी, वहां क्या जवाब देंगे? अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मुशरिकीन ने 360 मूर्तियां अपने अपने नेक बुजुर्गों की याद में बनाई और फिर कहा कि ये तो बुजुर्गों की चीजें हैं, बुजुर्ग जैसे बुजुर्ग बुजुर्गों के मानने वाले, अल्लाह वालों के मानने वाले, बड़े बुजुर्ग वाले आए हुए हैं। तो इसकी बेहतरीन जगह काबा शरीफ है। काबे का अंदर का हाल जो था वो बुतों से भर दिया, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत जब मक्के के फतेह के दिन तशरीफ लाए और मक्का फतह हो गया तो सहाबा ने पूछा, आपने कहा सबसे पहले काबे की इज्जत बहाल करो, काबे की बड़ी तोहीन हुई। आए आए नबी तशरीफ लाए, कुरान नाजिल हो रहा है, पूरी दुनिया को ईमान की दावत दी जा रही है और काबा आजमाइश का शिकार। मुअर्रिखीन लिखते हैं सहाबा अंदर गए और इतनी जल्दी और अव्वल फुर्सत में सारे बुतों को बाहर निकाल के हजरे और जबल अबू कुबैस के सीट में तस नस रेजा रेजा कर दिया। बुतों की भी कोई हकीकत है, ला मजहब की भी कोई हकीकत और एहतराम होता है। वहां पर आपने हुक्म दे दिया, धो लिया गया और फिर आप तशरीफ ले गए अंदर। अगले दो सुतून के पीछे और पीछे चार सुतूनों के आगे दरमियान में आप खड़े हुए और आप दो रकात नमाज पढ़ने लगे और चेहरे अथर आंसुओं से, दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपक रहे। सवाल यह है कि ये तो खुशी का दिन है, मगर हजरत को सदमा था कि काबे की बड़ी तोहीन की गई है, जो काम न करने के थे वो जालिमों ने यहां किए। इसलिए अल्लाह ने कहा इन नबल मुशरिकून नजस, ये बड़े गंदे पलीद है, फला यक़रबुल मस्जिद अल हराम बादा आमिन हाजा, खबरदार आइंदे ये लोग यहां है। अल्लाह ताला मुसलमानों का अकीदा और उनका अमल
صراط مستقیم کے مطابق بنائے. وآخر دعوانا.